के बाद से लोगों के खर्च करने का ट्रेंड बदला है। पहले जहां लोग सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करते थे, वहीं अब वो लोग अपने शौक पूरे करने पर ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो घर पर हमेशा सबसे पहले पैसे खर्च होते हैं। हाल ही में गुरुग्राम में 100 करोड़ का फ्लैट बिकने की खबर आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2023 में देश के 7 बड़े शहरों में 58 अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री हुई है, जिनमें से 53 अपार्टमेंट और 5 बंगले हैं। कहां बिके हैं ये अल्ट्रा लग्जरी होम्स और कितनी रही इनकी कीमत, चलिए इस वीडियो में सब आपको बताते हैं। पहले आपको ये बता दें कि 40 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले जो घर होते हैं या जो फ्लैट्स होते हैं, उन्हें अल्ट्रा लग्जरी होम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म एनारॉक के डेटा के मुताबिक 2022 में करीब 1,170 करोड़ रुपए के 13 अल्ट्रा लग्जरी घर बेचे गए, जिनमें से 10 अपार्टमेंट और 3 बंगलों की बिक्री हुई थी। वहीं इस साल बिके 58 अल्ट्रा लग्जरी घरों से डेवलपर्स को 4,063 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि 2022 की तुलना में 2023 में अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री में उनकी कुल बिक्री मूल्य में करीब 250% सालाना की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं 2023 में शहरों में अल्ट्रा लग्जरी होम्स की बिक्री की बात करें तो एनारॉक के डेटा के मुताबिक, यानी कि उनका डेटा क्या कहता है, उनका डेटा ये कहता है कि 2023 में मुंबई में सबसे ज्यादा 53 अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री के साथ वो नंबर 1 पर बना रहा। वहीं सिर्फ मुंबई में ही, यानी कि सिर्फ मुंबई की जो हिस्सेदारी रही वो 91% की रही, जबकि गुरुग्राम में 2 अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री हुई और 2 बंगलों की बिक्री दिल्ली में हुई, यानी कि दिल्ली NCR में कुल मिला के 4 अल्ट्रा लग्जरी होम्स बिके। और इसके बाद अगर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ 40 करोड़ के ऊपर की कीमत का एक घर बिका है। ये तो रही 40 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत के घरों की बात। वहीं अगर हम ये देखें कि 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत के कितने घरों की बिक्री हुई है, तो 2023 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के 12 घर बिके हैं। इनमें से मुंबई में 10, दिल्ली NCR में 2 घरों की बिक्री हुई। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि कोरोना के बाद लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी घरों की डिमांड में काफी उछाल देखने को मिला है। महंगे घर खरीदारों में से 79% बिजनेसमैन है, जबकि 16% अलग अलग सेक्टर्स के सीनियर प्रोफेशनल्स और 5% हिस्सेदारी नेताओं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की है। वहीं माना ये भी जा रहा है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए अमीरों ने अपने निवेश पोर्टफोलियो का रुख बदला है, जिससे कि प्रॉपर्टी मार्केट में बूम देखने को मिल रहा है। अब आगे ये बूम कितने दिनों तक जारी रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं।